दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि विश्व के खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं और उनकी तुलना भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव से की जाती है। वो उनके जैसे ही एक महान ऑलराउंडर बनेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या की फॉर्म और फिटनेस उनके साथ नहीं है, जिससे वो भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया है। जिसके बाद अब उनकी तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या विश्व के खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं, जिन्होंने कई बार अकेले दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। आपको बता दें कि साल 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने भारतीय टीम को अकेले ही दम पर T20 मैचों में जीत दिलाई थी, लेकिन 2021 में ही उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों ही खराब हो गई, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप में भी बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे से खुद ही अपना नाम वापस लेते हुए NCA में अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए जमकर अभ्यास कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए उन्हें एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और भारतीय टीम में ना शामिल करते हुए ये दिखा दिया है कि अब वो किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ देख रहे हैं, जिससे हार्दिक पांड्या बेहद निराश दिखे और अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम में उनकी वापसी की राह काफी मुश्किल हो चुकी है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका करियर लगभग खत्म हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खिलाड़ियों के चुनाव से ठीक पहले अपना एक बयान देते हुए कहा था कि वो वापसी के लिए अब तैयार हैं और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भारतीय टीम को जीत दिला दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से भारतीय टीम के जीत के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में वापसी करूं। मेरी जिंदगी में माही भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने मेरे करियर का पहला ओवर खराब होने के बाद भी मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखा। दोस्तों, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने टीम के ऐलान के ठीक पहले अपना बयान देकर ये साबित किया कि वो चयन के लिए उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए ये साबित कर दिया है कि अब BCCI किसी दूसरे ऑलराउंडर की तरफ देख रही है, जिसमें उन्होंने वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों को ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया है। हालांकि भारत के नियमित व्हाइट बॉल कप्तान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में चाहते हैं, लेकिन चयनकर्ताओं के आगे उनकी एक ना चली और अब ऐसा लग रहा है कि अब हार्दिक पांड्या का भारतीय टीम में जगह बना पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से टीम इंडिया में जगह बना पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।